रेणुपुर में बीते दिनों कुछ दिन पहले रविंद्र पुरी में हत्या हुई थी, इस मामले में किस तरीके के एविडेंस आकर के आप लोगों ने खुलासा किया, क्या है पूरा मामला? 11 तारीख की रात में रविंद्रपुरी कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहते थे अमर सिंह, जो दवा व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी हत्या हो गई थी। जब वहाँ पर मौके पर पुलिस गए और हम सभी लोग गए तो उनकी पत्नी रीना ने बताया कि यहाँ पे उनके दो मित्र थे जो 9:30 बजे से बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे और 2:30 बजे उठ के गए हैं, तो एक आवाज़ हुई है। इस पर हमको मालूम चला कि जब गए तो मालूम की हत्या हो गई है। रीना के उनकी पत्नी है, उनके ही तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया और उसकी विवेचना की गई। आरंभिक विवेचना में ही कुछ बातें ऐसी निकल के आने लगी जिससे लगा कि जो वादनी मुकदमा है उसके वर्जन गलत साबित हुए। आसपास के फुटेज भी हमने देखा, कुछ मोबाइल सर्वेलांस से मदद ली गई और ये बात तथ्य निकल के आई कि जो FIR का वर्जन था वो पूरी तरह से गलत था। और इस घटना में पत्नी जो रीना है खुद ही अपने पति की हत्या कराई थी, और वो भी एक अपने मित्र से जो पवन कुमार यादव नाम का श्री गोवर्धन का रहने वाला व्यक्ति है, जो इनके पति के साथ ही काम धाम में करता था और घर पे आना जाना था। मोबाइल सर्विलांस से भी बात दी, काफ़ी दिन से उससे जुड़ी हुई थी और वो इनके ही काल पे आता है और इनके पति की घर में हत्या करके वो चला जाता है। उसके वो और ये दोनों लोग मिलकर के घटनास्थल के सीन को ही बदलते हैं, वहाँ पे गिलास रखते हैं, वाइन की बॉटल रखते हैं, जिससे कि FIR का जो वर्जन है वो साबित किया जा सके। लेकिन ये फेल रहे, इसमें रीना की गिरफ्तारी की जा चुकी है जो घटना में पूरी तरह से संलिप्त हैं पति की हत्या में, और एक दूसरा अभी जो पवन कुमार यादव है उसकी तलाश कर रहे हैं हम लोग, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वजह क्या थी सर, वजह क्या थी? जो पूछताछ और आम जानकारियों में आई कि पति पत्नी के बीच में कुछ कड़वाहट थी और वो ड्रिंक करते थे रात में, जिसका ये विरोध करती थी, और वक्त के साथ जब कुछ पैसे मांगना, छोटी छोटी बातें जो परिवार में थी वो एक कड़वाहट के रूप में दरमोट चुकी थी, और इनके बीच के रिश्ते काफ़ी ठीक नहीं थे जो काज था।